हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन मोटर को सीरीज टेस्ट लैंप से किस तरह चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यदि आपके पास मल्टीमीटर मेगर कुछ नहीं है तो आप इंडक्शन मोटर को सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं। ये टेस्ट से की इफिशेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जरा सी भी इसमें बॉडी या शॉर्ट होगी तो हमें पता चल जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं टेस्ट को हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स इस टेस्ट में जनरली हम दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट लेते हैं कंटिन्यू टेस्ट, जो बल्ब से लेते हैं हर कोयल में टच कर करके, जहाँ जहाँ बल्ब जलता है उसे हम जनरली एक कोयल मानते हैं। और हमारी मोटर यदि सही है तो बल्ब सिर्फ एक ही कोयल में जलना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा कोयल में जलता है तो हमारी मोटर शॉर्ट है। और दूसरा टेस्ट होता है ग्राउंड टेस्ट, जिसे हम बॉडी शॉर्ट टेस्ट भी कहते हैं। ग्राउंड टेस्ट में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम मोटर के हर टर्मिनल पे एक वायर लगाते हैं बल्ब का और दूसरे को बॉडी से लगाते हैं मोटर के किसी भी। अगर उस हमें अगर मोटर बॉडी है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलेगी, यदि हमारी मोटर सही है तो इसे इनमें से किसी पे भी हमें हमारा बल्ब ने नहीं जलना चाहिए। फ्रेंड्स हम इसे देखेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब हम बॉडी टेस्ट लेते हैं तो बॉडी टेस्ट में जनरली हम हमारा एक फेज इसके मोटर पे टच करते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी टेस्ट करें तो सुरक्षित ढंग से करें, स्पेशलाइज पर्सन का होना चाहिए, क्योंकि मोटर में हम बॉडी पे टच करेंगे फेस को तो पूरी मोटर में करंट आएगा। तो फ्रेंड्स इस टेस्ट को देख के करें। फ्रेंड्स इस टेस्ट को हम जनरली किस तरह करेंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारा फेस है, ये न्यूट्रल है, तो हम फेस चाहो चाहे न्यूट्रल हो किसी को भी बल्ब में दे देंगे। ये बल्ब में गया, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से ये बाहर आया और ये न्यूट्रल आया। हमारे पास ये फेज और ये न्यूट्रल दो पॉइंट हो गए जो बल्ब से होके आ रहे हैं। हमें मोटर के छह टर्मिनल है, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे जनरली ये टेस्ट। फ्रेंड्स हम किस तरह करते हैं चलिए देखते हैं। ये फ्रेंड्स हम देखेंगे ये रेड वायर है, इसमें हमने फेज दिया है, ये बल्ब से घूम के आया है और ये ब्लैक वायर हमारा जनरली न्यूट्रल है। फ्रेंड्स ये टेस्ट में हम जनरली क्या देखेंगे, हमारे मोटर की एक ही कोयल में कंटिन्यूटी आना चाहिए, मतलब हमारा बल्ब ने सिर्फ एक ही कोयल पे जलना चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब टेस्ट करके, ये यहाँ पे लगाया, फ्रेंड्स ये जला, मतलब ये एक कोयल है और ज्यादातर किसी पे नहीं जला, मतलब फ्रेंड्स हमारी ये कोयल सही है। अब हम यही कोयल को चेक करते हैं, ये कोयल पे जला, मतलब हमारी ये कोयल भी सही है, अदर किसी पे नहीं जल रहा है। अब हम ये कोयल चेक करेंगे, फ्रेंड्स देखा हमारी तीनों कोयल पे बल्ब जला है, मतलब हमारी तीनों कोयल सही है जनरली, इसमें किसी भी तरह का शॉर्ट नहीं है एक दूसरे से। यदि बल्ब हमारा दो कोयल, मतलब यहाँ पे भी जला और यहाँ पे भी जला, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी मोटर शॉर्ट कहलाएगी। अब फ्रेंड्स हम देखें ग्राउंड टेस्ट। फ्रेंड्स ग्राउंड टेस्ट करने से पहले सबसे पहले तो मोटर को किसी भी तरह से किसी का हाथ कुछ टच नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्ट, नहीं तो हमें करंट लग सकता है, क्योंकि हम एक बार हमारी कोयल हमारे फेस न्यूट्रल का एक पॉइंट हम जनरली बॉडी से लगाएंगे, तो इसके लिए प्रिकॉशन रखे। फ्रेंड्स देखेंगे हम एक फिर हमने ये न्यूट्रल को यहाँ पे लगाया बॉडी पे और फेस को हर जगह लगा लगा के देखेंगे। फ्रेंड्स हमारी कहीं पे भी बल्ब नहीं जलना चाहिए, अगर बल्ब नहीं जलता है तो हमारी मोटर सही है, और कहीं पे भी बल्ब जलता है तो हमारी मोटर शॉर्ट कहलाएगी या ग्राउंड कहलाएगी। चलिए देखते हैं, तो फ्रेंड्स देखा कहीं पे भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, इससे हमें पता चल गया कि मोटर हमारी सही है, कहीं से भी ग्राउंड नहीं है। फ्रेंड्स इस तरह हम जनरली चेक करते हैं सीरीज टेस्ट लैंप से। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर कंटिन्यू अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे। थैंक्स फ्रेंड्स।